कच्छ जिला के भोज स्थित पिछले 8 सालों से चल रहा वैसा स्मृति वन मेमोरियल का प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा और अधूरी कामगिरी चल रही है। कच्छ जिला में आए विनाशक भूकंप में दिवंगत बने हजारों लोगों की आत्मा को शांति मिले और उनकी स्मृति में तत्कालीन मुख्यमंत्री और फिलहाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2012 में भुज के भुजिया डूंगर की तलेटी में स्मृति वन मेमोरियल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। वर्ष 2012 से प्रारंभ किए गए ये प्रोजेक्ट अभी भी अधूरी हालत में है, जिसमें अभी तक 120 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है और अभी भी 40 करोड़ बाकी कह रहे हैं। पिछले 8 सालों से चल रहा ये प्रोजेक्ट अभी भी आधा अधूरा होने के कारण कांग्रेस के प्रवक्ता पीसी गढ़वी ने तंत्र पर तीखे प्रहार किए थे। कच्छ जिल्लामां भूकंप पछी 20 वर्षथी कच्छने जे निर्माण करवा माटेना जेटला कार्यो शुरू करवामां आव्या एमां 2012 मां भुजियो डूंगर स्मृतिवन जेम तमाम भूकंपमां गुजरी गेला एनी एक यादमां आ निर्माण करवानी जे कार्यवाही शुरू करवामां आवी। एमां सनसेट पॉइंट होय, वन जंगलो, म्यूजियम, तमामे तमाम बाबतोने ध्यानमां राखीने सरकारी निर्माणनुं कार्य तो शुरू कर्युं, पण कमनसीबे आ कार्यमां अनेक विघ्नो आव्या छे। हजू सुधी 13 7 જ કામો શરૂ થયા છે। 120 કરોડની ગ્રાન્ટની જે વાત કરું તો એ ગ્રાન્ટનો પૂરેપૂરા ખર્ચ થયો નથી અને આ કાર્ય તાત્કાલિક અસરથી કચ્છની જનતાને આ ભુજિયા ડુંગરનો સ્મૃતિવનનો લાભ મળે એવી કચ્છની પ્રજા ઈચ્છી રહી છે અને કચ્છનો ઘોર ઉદાસીન જે સ્ટેટ રોડ કે પંચાયત બાંધકામના જે વિભાગોની સાથે સંકળાયેલા છે, કોન્ટ્રાક્ટરોની જે ધીમી ગતિ અને ઉદ્ઘાટનની વર્ષોથી રાહ જોયેલા લોકો આજે ઈચ્છી રહ્યા છે કે આ સ્મૃતિવનનું નિર્માણ ક્યારે પૂરું થશે।